बैंक सिक्योर करने का एक सोचा समझा कैलकुलेशन है। देखिए, जब कोई भी सरकार को चुनते हैं तो काम करने के लिए चुनते हैं, वेलफेयर स्कीम देने के लिए चुनते हैं। महाराष्ट्र एक सक्षम राज्य है जहां पर हम ये सब एफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने किया। अभी विद्या जी ने कहा कि भाई 50 करोड़ रुपया देके एक एक विधायक को ले, 110 विधायक चले गए, 110 महाविकास आघाड़ी से, और इनके खुद के पार्टी से 40 चले गए, तो उनके बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है, जो जो उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में लिखा है वो उसके ऊपर हमने पहले ही काम कर लिया है। तो जो जो अभी विद्या जी ने गिनाया है वो सब कट कॉपी पेस्ट है हमारे मैनिफेस्टो का। आप भी यही कर रहे हैं क्या कृष्णा हेगड़े? इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप लाडली बहना योजना पे? इतने कंफ्यूज हैं योजना चुनावी साल में घोषणा करेंगे, फिर एक के बाद एक तारीख पर तारीख बढ़ाते जाएंगे, दिवाली बोनस की भी घोषणा कर देंगे और 1500 से 2100 भी कर देंगे 4.5 महीने में। आपने कहा कि एक घर में एक महिला को 1500 रुपया दिया, एक घर में एक महिला को नहीं, तीन महिला को दिया 4500 रुपया हर घर में दिया, या महिला हो, बेटी हो, बहू हो, लड़की हो, सभी को हमने पैसा दिया। तो सिर्फ 1500 क्यों है? मैं तो ये पूछ रही हूँ भाई, सोच समझ कर बजट में ऐलान कर दिया था 1500 रुपए। ढाई साल में हमने लेक लाड़की किया, गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं को फ्री एसटी ट्रैवल दिया, वयोश्री योजना दिया, जो महिला युवा है उनके लिए प्रशिक्षण योजना दिया। तो ये सब 2.5 साल से चल रहा है। सिर्फ जो लाडली बहना योजना है वो पिछले 4 सालों में आया है। तो इसके पहले जो हमारी सरकार है, 4 महीने में 4 सालों पहले, नहीं नहीं ये हमारे लास्ट वाली जो लाडली बहना, उसे सब जो योजना है वो बहुत पहले से आए हैं। और हमारे जो सरकार ने इतना योजना दिया, लगभग हमारे कैबिनेट में 1000 हमने प्रपोजल पास किए और मान्यता दी। और इन लोग का सरकार चुनावी साल में कि भाई मध्य प्रदेश में चल गया तो महाराष्ट्र में लोकसभा में जमीन हिल गई तो महाराष्ट्र में भी चल जाएगा, यही है ना कृष्णा? साल हो मान लीजिए, चुनावी साल हो या नहीं हो, काम तो हमको करना है। अरे इनके मुख्यमंत्री 2 बार तो मंत्रालय नहीं पहुंचे 10 साल में, इंडस्ट्री का कोई मीटिंग उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, अटल सेतु का काम, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड का काम, आरए शेड का काम, सब रुका दिया। ठीक, तो ऐसा थोड़ी कार्यकाल होता है। कोविड टाइम था, कोविड के बॉडी बैग 600 रुपए के बॉडी बैग 6500 रुपए में लिए। काम किया ना कृष्णा, 100 ग्राम दिया, 200 करोड़, चौबीस घंटा काम करने वाली सरकार है। फेसबुक लाइव की सरकार नहीं है उद्धव ठाकरे जी जैसे, हम फेस टू फेस सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, दोनों उप मुख्यमंत्री 20-20 घंटा काम करते हैं दिन में। तो फिर 200 करोड़ रुपए क्यों फूंक दिए भाई लाडली बहना के प्रचार में? आरटीआई ने बताया कि 1 करोड़ 98, आरटीआई ने बताया, मेरी जानकारी नहीं है, 200 करोड़ रुपए तो आपने विज्ञापन में फूंक दिए टैक्स का पैसा। देखिए, प्रचार और प्रसार इलेक्शन की जरूरत है, योजना को प्रमोट करने की जरूरत है। प्रमोट नहीं किया तो आप बोलेंगे 2 करोड़ 80 हजार महिला, 80 लाख महिला कहां से आएंगी? प्रचार किया तो 2 करोड़ 80 लाख महिला आ गए ना। फेसबुक की सरकार ही नहीं थी, फेसबुक लाइव की जमीन की सरकार थी, तो ये 200 करोड़ रुपए फूकने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारा शासन अपना द्वारी जो प्रोग्राम था उसमें हम लोग ने ट्रैक्टर, स्विंग मशीन, दूसरे सब जो एमिनिटीज है लोगों को दिए। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर तालुका में जाके ऐसे प्रोग्राम लेते थे। उद्धव ठाकरे जी तो घर से बाहर नहीं निकले, हमारे लोग तो शासन अपना जारी है, गवर्नमेंट आपके दरवाजे पे। मुझे आपकी क्या है, हमारे लोग मुख्यमंत्री उधर जाके जी थोड़ा सा, अच्छा चलिए 10 सेकंड, ठीक ठीक कृष्णा हेगड़े 1 सेकंड, हाँ विद्या जी छोटा सा संक्षेप में रख दीजिए, मेरे 2 मेहमान अभी बाकी। हाँ जी, देखिए ये बार बार ये बोल रहे हैं कि उद्धव जी घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले, तभी कोरोना का कार्यकाल था, हमने खुद ने